नमस्कार, मैं भाग्यश्री। मिस इंडिया न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते एक नजर आज के मुख्य समाचार पर। आज शहर के उपविभागीय कार्यालय के मीटिंग हॉल में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सागर कौड़े ने गणेश पूर्व समीक्षा बैठक में सार्वजनिक गणेश मंडलों के पदाधिकारियों को मार्गदर्शन किया एवं निर्देश दिए। इस अवसर पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी रोशन पंडित, पुलिस निरीक्षक मारुति मुलुक नायक, तहसीलदार सागर कामरे सहित नगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने सार्वजनिक गणेश मंडल के पदाधिकारियों को आगामी गणेश उत्सव के अवसर पर सूचना पूर्व उचित मार्गदर्शन किया। गणेश उत्सव के दौरान गणेश मंडल को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए तथा इस उत्सव के वक्त किसी भी प्रकार की कायदा व सुव्यवस्था बाधित या भंग न हो, इस पर सूचना एवं मार्गदर्शन किया। गणेश उत्सव शांति एवं भाईचारा रखते हुए मनाने की सूचना भी की। वर्धा जिल्हा पोलीस विभाग आणि सर्व शासनाचे विभाग यांच्यातर्फे आज गणेशोत्सव मंडळांची मीटिंग हिंगणघाट येथे आयोजित करण्यात आलेली होती। त्याला सर्व गणेश मंडळांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे आणि सर्वांनी मिळून हिंगणघाट शहरातील गणेशोत्सव शांततेत जल्लोषात उत्साहात साजरा कसा करता येईल या दृष्टीने सर्व नियोजन करण्यात आलेलं आहे। गणेश मंडळांना पोलीस विभागातर्फे हे आवाहन करण्यात येत आहे की गणेश मूर्ती सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे। त्याचबरोबर आपल्याला जे मार्ग आणि वेळ ठरवून देण्यात येणार आहे विसर्जनाचं, त्याचं कृपया कटाक्षानं पालन करावं। समाजोपयोगी आणि समाजात एकता निर्माण करतील देशप्रेमाचे असे आरास देखावे गाणे सर्व गणेश मंडळांनी सादर करावे असेही आवाहन पोलीस प्रशासनातर्फे करण्यात आलेलं आहे। त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळाचा जो काही पुरस्कार दिला जातो, पर्यावरण स्नेही मंडळाचा जो काही पुरस्कार दिला जातो, त्यामध्ये सर्व गणेश मंडळांनी सहभागी व्हावं असं सुद्धा आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट। जन आशीर्वाद यात्रा में छिंदवाड़ा पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंच से कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस उन लोगों का साथ देती है जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं और यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में राम सेतु को ध्वस्त करने का षड्यंत्र करने का पाप किया था। आज चुनाव का समय है तो यह लोग मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए वे गैस सिलेंडर की कीमत पर जवाब देने में आनाकानी करते हुए नजर आए। पहले उन्होंने कहा कि 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए थी, परंतु दोबारा टोकने पर उन्होंने आंकड़े दुरुस्त करने की सलाह लेकर सवाल को खत्म कर दिया। उन्होंने कमलनाथ पर पंच करते हुए कहा कि यदि उनमें हिम्मत है तो गांधी परिवार से जाकर कहे कि वे सनातन का विरोध करने वाली डीएमके का साथ छोड़े। आप चूँकि पत्रकार हैं तो निश्चित रूप से आप रिसर्च भी करते होंगे। साल 2012 से लेकर साल 2014 तक 22 महीने महंगाई की दर आज की दर से ज़्यादा थी। 9 महीने ऐसे थे जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट था। जनवरी में 2014 में चुनाव से ठीक पहले सिलेंडर का दाम 1240 रुपये था। हाँ, बोल रिसर्च कर आपको मिल जाएगा सब्सिडाइज। मैं आपको बोल रहा हूँ जो आंकड़े आप देख लीजिए, मेरे पास 1414 का दोबारा बोल रहे हैं वो आंकड़ा। कांग्रेस भले ही झूठ बोले, आप तो पत्रकार हैं, आप तो सच के साथी हैं। अब ये उस कार्यखंड की मैं बात कर रही हूँ जब कोई कोविड नहीं था, जब रूस और यूक्रेन के बीच में कोई द्वंद्व नहीं था। 14 के बाद 9 करोड़ गरीब महिलाओं को भारत सरकार की व्यवस्था से उज्ज्वला का वरदान मिला। मध्य प्रदेश में 82 लाख महिलाओं तक उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंचा। उज्ज्वला 2 अगर आप देखें तो उसमें पाइप, स्टोव और सिलेंडर का सिक्योरिटी डिपॉजिट 3600 रुपया भारत सरकार वहन करती है। ये सारे आंकड़े मैं पहले बोल चुके हूँ। दूसरा, आप चूंकि मेरा अनुरोध है थोड़ा सा रिसर्च करके अपने दर्शकों को बतलाएं, साल 2009-10 में मनमोहन सिंह जी ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ऑयल बॉन्ड इशू किया था और घोषणा की थी कि मैं आने वाली पुश्तों के लिए ये कर्जा बोझ के रूप में छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो बोझ कांग्रेस पार्टी छोड़ कर गई इस देश पर, वो 2026 में लौटाते मोदी सरकार 3 लाख करोड़ रुपया भरेगी। 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला की सौगात देना, हाल ही में जैसा कि आपने कहा सिलेंडर के दाम कम करना और कांग्रेस का बकाया 3 लाख करोड़ वापस करना, कोविड में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देना,
200 करोड़ लोगों की जो अपनी वैक्सीन की डोजेस है उसको मुहैया कराना और टैक्स का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाना। मिशन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट। लगातार बारिश के बावजूद वाड़ी और अन्य क्षेत्रों में ताना पोला उत्साह पूर्वक मनाया गया। खड़गांव रोड के महाकाली मंदिर क्षेत्र में स्थानीय पदाधिकारी सुरेश बारई, सुरेश फलके, प्रवीण डाकोड़े, शंकर राठी, विजय कनेर, योगेश कुमकुवर, दिलीप लांजेवाल, शरद साखरकर, पुरुषोत्तम कांवड़ी, अर्जुन जांबुड़कर की उपस्थिति में मनाया गया। ताना पोला में माता पिता सहित 190 बच्चों ने विभिन्न वेशभूषा और नंदी बैल पहनकर भाग लिया। दौलतवाड़ी हनुमान मंदिर में ताना पोला मनाया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक लीलाधर काले, चंद्रशेखर निकोट, अशोक बांते, मंदिर समिति के विजय नासरे, संजय जीवनकर, सचिन गोडबोले, अजय इखार, धवल ढेंगे, मंगेश बिसे, राजू इकनकर, सचिन चोपड़े, रमेश सहारे, सचिन जीवनकर, विजय इकार एवं कार्यकर्ता एवं दौलतवाड़ी निवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आम्बेडकर नगर वाड़ी रमाबाई चौक पर ताना पोला मनाया गया। ताना पोला का आयोजन नंदू सोमकुवर, निराली ज्वेलर्स मित्र मंडल और अजय इलेक्ट्रॉनिक्स संस्थापक अजय चौधरी ने किया। रोशन सोमकुवर, सूरज वानखेड़े, भीमा महाजन, गुरुदेव मेश्राम, रितेश सोमकुवर, आदित्य राउत, अवधूत रंगेरी को लोग पसंद करते हैं। सारी पुत्र वानखेड़े, राजेश खोबराकड़े, खुशाल विजयकर, नागसेन शिंदे, धनराज लांडे आदि शामिल थे। प्रत्येक प्रतिभागी को एक पुरस्कार दिया गया। श्री हनुमान मंदिर देवस्थान पंच कमेटी मारुति नगर में बाल पुलक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबसे पहले मंदिर समिति ने बाल गोपाल के लिए मंदिर परिसर को सजाया। पूर्ण क्षेत्र में नंदी बैलों के साथ बाल गोपाल शामिल भी हुए। सभी नंदी की मग्र देने पूजा भी की। उपस्थित सभी बच्चों को भोजन वितरित किया गया। कार्यक्रम में शैलेश थोराने, राजेश थोराने, सुरेश बावनकर, संजय कवलकर, सारंग गोमकार, सचिन धाड़े, मधुकर कुलरकर और मंदिर समिति के अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए थे। स्मृति दुर्गा उत्सव मंडल द्वारा 15 सितंबर को स्मृति नगर हनुमान मंदिर के पास ताना पोला आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार आद्विक रत्न पारखी, द्वितीय वृधान मोरेसिया, तृतीय आराध्य रोकड़े, विराज शिरभाते को दिया गया। मंडल के अध्यक्ष हिम्मत गड़ेकर, अतुल सुरकर, अंकुश वंजारी, राजू वागतरे, कमलाकर बारसकर, ईश्वर नागलवाड़े, आशीष रावंडे को दिया गया। राजू मुंगारे, शम्मी झरबड़े, भूषण रोकड़े, मिलिन शिरभाते, सुभाष भोयर, प्रणय कल्बे, अमर कोम्बे एवं नागरिक उपस्थित थे। मिशन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन मिशन न्यूज। नमस्कार।